गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया। उन्हें लगा शायद उन्हें चांद तारों का और बहसों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र बनाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती? गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। जब उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति ग्रह की ओर घुमाई तो उसके चारों ओर चार छोटे तारों को देखकर वो हैरान हो गए। पहले उन्हें किसी ने नहीं देखा था, दूसरी रात तारों ने जगह बदल दी थी। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला जो सही था कि वो तारे दरअसल बृहस्पति के आसपास चक्कर लगाने वाले चांद थे। लोग हमेशा आसमान में दिखने वाली उस रहस्यमय चमकीली रेखा को उसका फीका सफेद रंग देखकर आश्चर्य जताते हैं जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। वो क्या था? क्या गैलीलियो शायद ये ढूंढ निकाल सका? वो अनगिनत तारों से बनाया गया था जो इतने फीके थे कि दूरबीन के बिना उन्हें देखना मुश्किल था। गैलीलियो को यह एहसास हुआ कि वो सूरज थे, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, पर काफी दूरी पर थे। आज हमने विशाल दूरबीनों की रचना की है जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। ये फोटो हमारे सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है, ये अंतराल है जहां बादल प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। यह है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी हैं। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है, और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। कोई भावी वैज्ञानिक ये काम निश्चित करेगा जो शायद आज ये शो देख रहा हो। आज के विज्ञान का अनुमान है कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। सूक्ष्म परमाणु से लेकर पूरी पृथ्वी तक, सूरज और अन्य ग्रहों से लेकर लाखों करोड़ों तारों और अरबों आकाशगंगाओं तक, हर जगह हर चीज में है ये विश्व। एक न सुलझने वाले रहस्य की तरह है ये। मानवीय इतिहास में घटी आश्चर्यजनक घटनाओं का स्रोत है ये। पिछले कई युगों में हम में से कुछ विद्वान व्यक्तियों ने विश्व के रूप के बारे में कई सिद्धांत पेश किए हैं, अपने पूर्वजों की कल्पनाओं को विस्तृत रूप देकर। आज के विश्व की ये कहानी गतकाल के उन महान खगोल वैज्ञानिकों को शायद अजीब लगेगी, जैसे भारत के विश्वामित्र, ग्रीस के टॉलेमी, भारत के आर्यभट्ट, पोलैंड के कॉपरनिकस और इटली के गैलीलियो।
विश्व की शुरुआत कैसे हुई इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा द्रव्य एक छोटी सी गोली के आकार की किसी वस्तु में केंद्रित हुआ होगा। अचानक किसी कारणवश उसमें धमाका हुआ और एक विश्व का निर्माण हुआ जो भयंकर तप्त और बढ़ते हुए आकार का था, जो बाद में धीरे धीरे ठंडा हो गया। जब उसका जन्म हुआ तब वहां सिर्फ ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ही था। उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा का रूपांतर हुआ भौतिक पदार्थों में। प्रारंभिक भौतिक पदार्थों में से जन्म हुआ मूल तत्वों का। पहली 30 मिनटों में ही हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। बाद में जब तारों का निर्माण हुआ तब उनमें से अन्य मूल तत्व की निर्मिति हुई। लाखों वर्षों तक विस्तारित और ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से माल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहां वहां घने गुच्छों में बिखर गए। ये वायु और धूल से भरे गुच्छे अंत में ढह गए और आकाश गंगाओं में बदल गए। आकाश गंगाओं के हाइड्रोजन और हीलियम वायु बिखर कर उनमें से छोटे बादल बन गए। इन बादलों में से आकाश गंगाओं के पहले तारों का जन्म हुआ। शुरुआत में निर्माण हुए बहुतांश तारे अति विशाल थे, पर कुछ लाख वर्षों तक ही वो टिक पाए। फिर उनका विस्फोट हुआ प्रलयंकर धमाकों में, जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। जीवन के लिए आवश्यक मूल तत्वों का निर्माण इन विशाल तारों के आंतरिक भाग में हुआ। जब उनका विस्फोट हुआ तब ये मूल तत्व आंतर तार के अवकाश की कड़ी शीतलता में फेंके गए। इन सुपरनोवा के विस्फोटों ने दूसरी पीढ़ी के तारों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जब तक विश्व की आयु कुछ अरब वर्षों की हुई तब तक विश्व बहुत जटिल बन चुका था। विश्व की निर्मिति के समय की प्रकाशमान ऊर्जा अब अरबों आकाश गंगाओं के विशाल समुदाय में फैल गई थी। इनमें से कुछ आकाश गंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंडाकार हैं और अन्य अनियमित आकार की हैं, जो आकाश गंगाओं के टकराव का परिणाम है। तारों की कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया। जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और लोह जैसे मूल तत्वों की निर्मिति की गई। अंततः उनका नाश हुआ। जैसे जैसे विश्व लाख वर्षों में आकार मान में बढ़ता गया वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है
कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ, मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही रहता है। हमारा सूरज मध्यम आयु का तारा है, उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलर नेब्यूला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकले कंपन लहरों से के लिए और उत्क्रांति के लिए आवश्यक है। शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी, वहां वातावरण का अभाव था, यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंतर्भाग पिघली हुई शिला से बना था। कई जगहों पर पपड़ी फाड़कर अंदरूनी द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें से तप्त लाल रंग का लावा और वायु बरसने लगे। इन वायुओं ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। एक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत के इस वातावरण में स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। कुछ 2000 लाख वर्षों पहले डायनासोर्स जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे मानव, जिन्होंने निसर्ग को ही आकार देने की शुरुआत की। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार बनाए, आग का उपयोग किया और खेती करना सीख लिया। पथिकों और भटकइये लोगों से हम आदिवासी बन गए। जैसे जैसे जीना आसान हुआ,
वैसे लोगों को आसमान की ओर देखने का ज्यादा समय मिलने लगा। रात के आसमान में दिखने वाले तारों के फैलाव को देखकर हमारे पूर्वजों ने परिचित आकार तथा प्रतिमाओं की कल्पना की, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। आज हम जान गए हैं कि पूरे आसमान में 88 नक्षत्र हैं। इनमें से 12 राशि चक्रीय नक्षत्र हैं। एक साथ देखें तो उनका आकार आसमान में एक पट्टी की तरह दिखता है। सूरज, चांद और ग्रह इस राशि चक्र के पट्टे से गुजरते हैं, ऐसा आभास होता है। ठंड के दिनों में आसमान में सबसे सुस्पष्ट देखने वाला नक्षत्र उरायन यानी सितारे। थोड़ी सी पश्चिम की ओर है आकाशीय बैल यानी कि वृष टॉरस, राशि चक्र का एक नक्षत्र। ऐसे लगता है कि ये बैल उस सितारे पर हमला कर रहा। नारंगी रंग का एक विशाल तारा रोहिणी यानी कि एल्डन बैल इस बैल की आंखों की जगह होता है। आगरा की दूसरी ओर हमें दांत यानी महाश्वान या कैनिस मेजर दिखता है, सीरियस यानी स्टार के साथ। सीरियस आसमान का सबसे चमकदार तारा है और वहां ऊपर है पपी जॉन, कैनिस माइनर, ये श्वान तारा मंडल जो अपने चमकने वाले तारे प्रोसियन के साथ है। प्राचीन काल में मानव जंगली जानवरों के साथ रहते और उन्हीं को आसमान में देखते थे, जैसे कि नजदीक है छोटा भान, जैसे कि हम देख शरीर से दो तारे सीधे छोटे भालू की पूंछ की ओर निशाना बनाए हुए हैं, जो है ध्रुव तारा यानी कि पोलरिस। उसी के ठीक ऊपर हमें दिख रहा है लोकप्रिय राशि नक्षत्र लियो यानी कि सिंह। उसके आगे के पंजे के पास है एक चमकीला तारा मघा यानी रेग्युलस। ये दरअसल 4 तारे हैं और पूंछ के नजदीक है डेरेगोला जो एक जवान तारा है। दक्षिणी आसमान में हम देख सकते हैं एक प्राचीन जहाज को, नौका मंडल को, जो है आर्गो। हमने इस जहाज को 3 नक्षत्रों में बांट दिया है। इस प्राचीन जहाज के पाल को कहते हैं वेला, इसका पिछला हिस्सा पपीज और नौकल को कहते हैं करीना। करीना का अगस्ती यानी कैनेपस इस आसमान का दूसरा चमकीला तारा है। अगस्ती का उपयोग नौका परिवहन में दिशा दर्शक के रूप में किया जाता है। दक्षिण में एक और नक्षत्र है जिसका उपयोग भी नौका परिवहन में होता है, वो ये है जो 4 तारों से बनता है और आकार में एक क्रूस जैसा है। ये है दक्षिणी क्रूस यानी त्रिशंकु या क्रक्स। त्रिशंकु घेर रहा है एक सबसे बड़ा नक्षत्र नर्तुरंग यानी सेंटोरस को। लोगों को लगता था ये तारे एक सेंटोर के आकार में हैं, जो आधा मानव आधा घोड़ा था। नर्तुरंग के पिछले खुर में आसमान का तीसरा चमकीला तारा अल्फा सेंटोरी है, जिसके नजदीक है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो हमारे लिए रात के आसमान का सबसे नजदीकी तारा है। यहां ग्वाला नक्षत्र में बूटीज द हर्ड्समैन में हमें दिखता है स्वाति तारा यानी आर्क्टरस, जो 4th चमकीला तारा है। आसमान का 5वां चमकीला तारा पूरब की ओर से उदय होते हुए दिखता है, ये है अभिजीत यानी वेगा, जिसका खगोल विद्या विशारदों ने सूरज से भी ज्यादा अभ्यास किया है। अन्य 2 चमकीले तारे डेनेब ऑफ सिग्नस और एल्टेयर ऑफ एक्विला के साथ वेगा एक लोकप्रिय त्रिकोण का आकार धारण करता है, जिसे समर ट्रायंगल कहते हैं, जिसका हर मई में उदय होता है, जो
जो ग्रीष्म ऋतु के आगमन की सूचना देता है। किसी भी समय आसमान की ओर नजर करते हुए हम अपनी आंखों से देखते हैं लगभग 3000 तारे, जिनमें से कुछ ज्यादा चमकीले होते हैं, कुछ फीके और कुछ को तो हम देख ही नहीं पाते। हमारी आकाशगंगा में मौजूद 4000 लाख से भी ज्यादा तारों का ये एक छोटा सा हिस्सा है। विश्व की विशालता को व्यक्त करने के लिए हम प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब एक वर्ष में प्रकाश जितना अंतर काटता है वो। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के नग्न आंखों से हमें सबसे दूर दिखती है एंड्रोमीडा आकाशगंगा, जो हमसे 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और ये एंड्रोमीडा हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। उसके परे 100 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक फैली हुई हैं। हमने हजारों वर्षों तक विश्व का निरीक्षण करके उसे समझने की कोशिश की है। आज हम शक्तिशाली दूरबीन तथा कंप्यूटर्स का उपयोग करते हुए विश्व का एक सुबोध चित्र बनाने की कोशिश में लगे हैं। हमें एक सवाल हमेशा आकर्षित करता है, क्या दूर वहां पर जीवन है? कुछ आसमान निरीक्षक सिर्फ उस अलौकिक प्राणी मात्रों के खोज में डूबे रहते हैं। हाल ही में हमने ये खोज लगाई है कि कई तारों की अपनी ग्रहमालाएं हैं। कुछ खगोल वैज्ञानिकों के अनुमान से विश्व में ऐसी अरबों जगहें होंगी जहां जीवन संभव हो सकता है, पर अभी तक तो हमें विश्व में अन्य कोई जगह ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। जीव वैज्ञानिक और लेखक जूलियन हक्सली ने कहा है, इस महान विश्व में और भी जीवित प्राणी होंगे जो विवेकशाली, समझदार और महत्वाकांक्षी होंगे, पर हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम बस इतना ही जानते हैं कि मानव का मन और व्यक्तित्व अद्वितीय है और वो इस विश्व को प्राप्त हुई सबसे उच्चतम चीजें हैं। हक्सली ने कहा, मानव इसी वास्तविकता की प्रक्रिया है जिसमें और जिसके माध्यम से वैश्विक प्रक्रिया जागृत हो गई है और स्वयं को सम्मिलित करने लगी है, यानी कि विश्व हमारे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जो भी हमारे सामने प्रतीत हो रहा है, हम उसमें स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। हम इस असाधारण पैमाने के विश्व के छोटे से भागीदार हैं। बड़ी अजीब बात है कि इस विश्व ने हमें हिस्सेदार बनाया है। प्रजातीय तौर पर हमारा भविष्य विश्व की होने वाली उत्क्रांति पर निर्भर है। आने वाली सदियों में पृथ्वी का ऋतुमान काफी मात्रा में बदलने की संभावना है। जो महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दिन एक दूसरे से टकरा सकते हैं। इस टकराव में पुराने पर्वत नष्ट होकर नए उभर सकते हैं। डायनासोर्स के समय जैसा हुआ था, वैसे ही एक बड़ी ग्रह का पृथ्वी पर गिर सकती है। कुछ नजदीकी तारों का नाश होगा तो कुछ नए तारे जन्म ले सकते हैं। अरबों वर्षों के बाद
सूरज भी एक महाकाय लाल गोले में प्रसारित हो सकता है और पृथ्वी तथा उसके परे सभी चीजों को समेट सकता है। अतीत में कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने सिद्धांत रचा था कि हमारे बढ़ने वाले विश्व की गति में बाधा आ सकती है, वो रुक सकता है और वो ढह भी सकता है। पर इस सिद्धांत पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं और इसका कारण है खगोल वैज्ञानिकों की हाल ही में लगाई डार्क ऊर्जा या डार्क मैटर की खोज। वो डार्क मैटर क्या है इसके बारे में हमें सही जानकारी तो नहीं है, पर हम इतना जानते हैं कि विश्व का बड़ा हिस्सा इनसे बनता है और ये साबित करती है कि विश्व केवल आकार में नहीं बढ़ रहा बल्कि उसकी गति भी तेज हो रही है। जैसे ही एक महान रहस्य सुलझता है दूसरा सामने आ जाता है। विज्ञान की यही तो सुंदरता है।